हेलो दोस्तों, अक्सर मैं नोटिस करता हूं कि बच्चे अक्सर जब उनसे कहा जाता है कि भई आप ये टर्न करो, यानी इस टूल को अगर इस जॉब के ऊपर 10 mm आगे जाना है, तो ऐसे कंडीशन में बच्चे क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में बच्चों को मैं अक्सर ऐसे नापते हुए देखता हूं, या फिर इस टूल की नोक से वहां निशान पहले वो मार लेते हैं, उसके बाद उस 10 mm को टर्न करने की कोशिश करते हैं। तो अक्सर ऐसे में ये समझ में आता है कि बच्चे को इस डायल का हिसाब पता नहीं है, जिसके वजह से वो ऐसा कर रहा है। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होती है टर्निंग करने के दौरान। अगर आपको इसके खानों का और इसके चक्रों की समझ आ गई, तो ऐसे कंडीशन में आपको बहुत कम नापना पड़ेगा किसी भी जॉब पर काम करते हुए, कि भाई कितना कट लगना है, कितना टूल अंदर जा चुका है। ये चीज़ आपको बार बार नाप के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम फोकस करें, तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मली किसी भी लेथ मशीन पर आपको ऐसे डायल, जिसे बोलते हैं, ये 3 या 4 जगह मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये लॉग इंटरनल फीड है, एक यहाँ पर ही आपको डायल मिलेगा। तो अगर आप देखें, ये जो लॉन्गिट्यूडनल डायल है, इसमें साफ लिखा है कि एक रिवोल्यूशन बराबर 25.041 mm, या इसके साथ साथ एक खाने की वैल्यू क्लियर बता रहा है 0.1 mm। यानी यहाँ से इस डायल के साथ साथ एक डायल ये भी है, जिससे क्रॉस स्लाइड मूव होता है, आप देख सकते हैं। इसमें भी साफ बता रहा है एक खाने की वैल्यू, देखिए ये जो लोगो है इसकी वैल्यू कितनी है, 0.02 mm, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें ये भी इंडिकेट किया गया है कि एक खाना अगर 0.02 का है, तो इसका मतलब क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि 0.04 ऑन डाया, यानी कि अगर आपने टूल को डेप्थ 0.02 एक खाना भगा दी, तो ऑटोमेटिक जो डाया कम होगा वो 0.04 mm होगा। तो कई बार डायल में ये दोनों चीज़ें मेंशन होती है, कई बार मेंशन नहीं होती। ऐसी कंडीशन में आपको खुद एक बार ट्राई कट मार के देखना पड़ेगा कि केवल वहाँ पर जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है वो सिंगल डेप्थ का है, या फिर वो डबल डेप्थ के साथ कैलकुलेट करके दिखाया जा रहा है। तो दो डायल ये हैं, तीसरा ये कंपाउंड स्लाइड का डायल। तो यहाँ पर भी स्पेसिफिकेशन इसकी है, आप देख सकते हैं, तकरीबन यहाँ पर, यानी कि ये खाने की वैल्यू कितनी बता रहा है, 0.05 mm। इसके अलावा पूरा इसका पूरा एक चक्कर अगर हम देखें, तो अगर आप देखोगे ये 4 mm, यहाँ पर 4.5 mm, तो ये कन्फर्म है कि जो इसका ज़ीरो है, यहाँ पर इसका एग्जैक्टली 5 mm होगा। तो कहने का मतलब क्या है, एक खाने की वैल्यू 0.05 mm है, और पूरे एक चक्कर की वैल्यू 5 mm है। तो इस हिसाब से हम आसानी से किसी भी टूल को आगे खिसका सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये एग्जैक्टली कितना अंदर गया है। इसके अलावा एक डायल आपको मिलेगा या टेस्ट ऑफ के ऊपर, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो एक खाने की वैल्यू यहाँ पर साफ दिखा रखी है 0.05 mm। इसके अलावा जो बड़ा डायल है, आप देख सकते हैं, एक रेवोल्यूशन, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे ये है 4, यहाँ 4.5, और यहाँ फिर 0, इसका मतलब क्या है, इसका पूरा एक चक्कर 5 mm का होगा। तो कहने का मतलब क्या है, इस वाली लेथ मशीन में ये टेल स्टॉक का डायल की जो लिमिट है और जो ये कंपाउंड स्लाइड के ऊपर है, इन दोनों सेम लिमिट में काम करते हैं। इसके अलावा जो ये वाला क्रॉस लाइट का डायल है, ये ज़्यादा एक्यूरेसी से काम कर रहा है, एक खाने की वैल्यू 0.02 mm है। और जो लॉन्गिट्यूडनल बड़े वाला है, यहाँ पर ये एक खाने की वैल्यू 0.1 mm दे रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमें एक्यूरेसी में काम करना होगा, इस क्रॉस स्लाइड और इस कंपाउंड स्लाइड दोनों का प्रयोग करके हम ऐसा कर सकते हैं। बस विशेष ध्यान यही रखना है कि इसकी लीस्ट काउंट क्या है, एक खाने की वैल्यू 0.05, यानी मिनिमम हम इतने इससे कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात आती है कि इससे रीडिंग लेनी कैसे है। अगर अभी आप देखें, ये टूल जॉब पे जस्ट हमने टच किया है, आपको ये दिखाने के लिए कि इसकी रीडिंग कैसे लेनी है। जब ये टूल जॉब में टच हुआ है, तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि जो ये 0 है, बिल्कुल 0 से मैच करें। अभी आप देख सकते हैं
ये जीरो से बिल्कुल जीरो मैच हो रखा है और इसी पोजीशन में ये यहाँ पर जॉब पे जो टूल है ये टच हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, अब अगर हम इसको यहाँ से घुमाएंगे चेक को चलाने के बाद, तो अगर हमें 10 mm टूल को आगे भेजना है तो ऐसी कंडीशन में इसके दो पूरे चक्कर करने पड़ेंगे, उसके बाद टूल ऑटोमेटिकली 10 mm जॉब के अंदर पहुंच जाएगा। तो फिलहाल इसको हम करके दिखा रहे हैं आपको, तो कभी भी आपको करना है तो आपको इस तरह ही करना होगा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ये अगर हम इसे होल्ड करें तो ये अलग से मूव करता है ताकि हम इसको जीरो पे सेट कर पाएं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो कभी भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हमेशा पहले इसको अगर आप होल्ड करके रखेंगे, इसको होल्ड करो टाइट, उसके बाद जब आप इसको मूव करेंगे तो आपको दिखेगा ये मूव कर रहा है। ये किस लिए है, ये इसीलिए है कि आप उसको जॉब को, जब आप टूल को जॉब में टच कर देंगे, जैसे अभी आपने टच कर रखा है, अब इस पोजीशन में हमें यहां से जीरो काउंट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार पीछे ले जाएंगे, फिर आगे ले जाते रहे टाइम स्लोली इस जीरो को ये जो दूसरी लकीर है से मैच कराएंगे। तो ये तो अब ये जीरो पोजीशन हो गई है टूल को जॉब में टच करने के बाद। अब हम यहां से मशीन स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करो मशीन। तो अब हम यहां से इसको डायल से जीरो से आगे बढ़ाएंगे और दो चक्कर हमें हिसाब लगाना है। तो जैसे ही ये घुमाना शुरू किया गया है, ये टूल आप देख सकते हैं इसने कटिंग करनी शुरू कर दी। तो ऐसे कंडीशन में अब हमें बार बार वर्नियर कैलिपर या स्टील रूल से नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 10 mm कब पूरा हो रहा है। इसके लिए बार बार मशीन रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक स्टील रूल कह लें या फिर एक डायल गेज यहीं पर है जो हमें बता रहा है टूल कितना अंदर जा चुका है। फिलहाल आप देख सकते हैं 2 mm टूल अंदर जा चुका है, अभी 2.5 mm पहुंचने वाला है। ये टूल जॉब के अंदर 2.5 mm पहुंच गया, अगेन ये 3 mm पहुंचने जा रहा है। तो मतलब क्या है, आपके गड़बड़ नहीं होगी अगर आपको डायल का यूज करना आता है। तो ऐसे कंडीशन में कभी भी आपसे गड़बड़ नहीं होगी, आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक खाने में पता चलता रहेगा कि टूल कितना जॉब के अंदर गया है, कितने mm गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये 4 mm, कितना 4 है, कितना दिख रहा है, 4 mm अंदर जा चुका है, 4.5 mm तकरीबन टूल ये अंदर पहुंच गया, और तकरीबन ये जीरो पे आते ही ये 5 mm अंदर, ये आप इस टाइम देख सकते हैं फिलहाल ये 10 mm से तकरीबन 5 mm अंदर जा चुका है। तो क्लियरली देख के ही समझ में आ रहा है। तो उम्मीद है आपको डायल गेज का यूज़ करना समझ में आ चुका है। जिस तरह से अभी मैंने आपको समझाया, सेम वर्किंग इस क्रॉस स्लाइड वाले डायल की भी है, ये भी इसी तरह काम करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप ये डायल को समझ के इसके हिसाब से काम करना शुरू करेंगे तो जल्दी से आपको इस नापने के लिए बार बार ना ही वर्नियर कैलिपर को उठाने की जरूरत पड़ेगी, नापने की जरूरत पड़ेगी, ना ही स्टील रूल का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे प्रैक्टिस कर ली है इस डायल के और इस डायल के यूज़ के साथ हर जॉब में, तो ऐसे कंडीशन में आपकी जॉब की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आएगी। तो प्लीज़ कमेंट करो, अगर आप इन डायल का यूज़ करते हैं और काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं। इसके अलावा प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आप नॉर्मली कितने mm के कंट्रोल पे अपनी जॉब एक्यूरेसी से बना लेते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।